नमस्ते दोस्तों, यह जो पौधा आप देख रहे हैं यह ड्रैगन फ्रूट का पौधा है जो कि हमने एक साल पहले इस कटिंग को लगाया था और यह कटिंग से बड़ा हुआ पौधा है जो कि आप देख पा रहे होंगे बहुत ही बड़ा हो चुका है हाइट में। तो इस पौधे की कटिंग आपको तोड़ के लाना है और उसके बाद में आप डायरेक्टली मिट्टी में इन कटिंग्स को लगा दीजिए तो भी इसमें रूट्स डेवलप हो जाती है और उसमें से नए अंकुर बड़े होने चालू होते, तो वहाँ 2-3 महीना लग जाता है नया अंकुर निकलने के लिए। या तो आप पानी में, जैसे कि हमने इस ग्लास में पानी लिया है और इसमें इन कटिंग को हम डुबो के रखेंगे, तो यहाँ भी आप मेथड से ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए, हम इस कटिंग को पानी में डुबो के रखेंगे, तो यह पानी आपको हर 3 दिन के बाद में चेंज करते रहना है। यह एक्सपेरिमेंट हमने 30 नवंबर 2021 को किया था, तो लगभग 1 महीने के बाद हम इसका रिजल्ट भी इसी वीडियो की कड़ी में हम आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ भी हमने एक कटिंग रखा था, ये देखिए 2 कटिंग हमने एक ग्लास में डुबो के रखा है। एक महीने के बाद का यह रिजल्ट है, तो आज हम आपको रिजल्ट दिखा रहे हैं इसी वीडियो की कड़ी में। पानी में अगर इन कटिंग्स को डुबो के रखते हैं और रूट फॉर्म हो जाती है तो यहाँ बहुत ही इजी वे रहता है। अगर आप इसे मिट्टी में लगाएंगे तो उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है नए रूट्स डेवलप होने के लिए, पर यहाँ आप देख सक रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सारी नई जड़ें निकल चुकी हैं। तो हमने हर 3 दिन के बाद में पानी चेंज करते रहा, तो आपको भी इसी तरीके से पानी चेंज करते रहना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी कटिंग ख़राब हो सकती है। इन कटिंग्स को अब हम मिट्टी में लगा रहे हैं, तो जैसे कि हम इस गमले में इन कटिंग्स को लगाने वाले हैं, आप चाहे तो डायरेक्टली ज़मीन में आप लगा सकते हैं गमले के बजाय। हमारे पास गमले खाली थे तो यहाँ कटिंग हम गमले में लगा रहे हैं।